मतलब आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अगर आपसे मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज़ श्वेता एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन माई हैप्पी प्लेस। टुडेज़ वीडियो इज़ नॉट जस्ट डेली कॉन्टेंट, ये मेरा एक चाइल्ड हुड ड्रीम है जो कि अब मेरे 20s में पूरा हो रहा है। येस, बींग अ मिडिल क्लास बच्चा, आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ अ रूम ऑफ माई ओन वेर आई कैन बी द रियल मी एंड गेट टू ओपन द पिटार ऑफ माई इमेजिनेशन टू डेकोरेट इट एंड शो माई क्रिएटिविटी स्किल्स। Finally, after a long wait of several years, I got this room last year, and it's not just my bedroom, it's my studio as well. पिछले एक साल से I was so busy with my work and studies that I didn't get any time to decorate my room, and this is how it looks right now. But I decided to transform this room into my dream room come studio on my 23rd birthday, which was few days ago on 18th of September. So now, without any further ado, let's just get into the adventure. मेरे रूम का सबसे मेसी पार्ट है मेरा डेस्क, तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। पहले तो मैंने सारा सामान हटा दिया है एंड अब पूरा डेस्क खाली हो गया है, तो इसे साफ कर लेंगे। देन ऐसे एक न्यू लुक देने के लिए मैंने ऑर्डर किया है वाइट ग्लॉसी वॉलपेपर शीट्स, विच इज़ ईजीली अवेलेबल ऑन अमेजन। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हो। इफ़ यू डोंट नो, आई एम ऑब्सेस्ड विद वाइट फर्नीचर्स एंड इट्स द मोस्ट अफोर्डेबल वे टू कन्वर्ट एनी फर्नीचर्स इंटू योर डिज़ायर्ड टाइप और कलर। अमेजन पर आप देखोगे बहुत सारे पैटर्न्स में, बहुत सारे कलर्स में वॉलपेपर शीट्स अवेलेबल हैं, तो आपको जो डिज़ायर्ड पैटर्न चाहिए, जो कलर चाहिए, आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। आप बिलीव नहीं करोगे, ये डेस्क ऑलमोस्ट 25-30 साल पुराना है एंड मैंने इसे बचपन से यूज़ किया है फॉर मल्टीपल पर्पजेज। इसकी कंडीशन भले ही थोड़ी ख़राब है, बट स्टिल आई डोंट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस बिकॉज बहुत सारी मेमरीज जुड़ी है एंड ऑफकोर्स मैं नहीं चाहती कि कोई भी यूज़फुल चीज़ को फेंक दूँ, बिकॉज आई लव टू अपसाइकल थिंग्स एंड इससे एनवायरमेंट की भी हेल्प हो जाती है। दिस टाइम आई डिसाइडेड टू कन्वर्ट दिस डेस्क इंटू अ मेकअप वैनिटी बाई चेंजिंग इट्स कलर एंड बाई एडिंग सम ऑर्गेनाइजर्स एंड स्टोरेज बॉक्सेस। फाइनल लुक आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, सो कीप ऑन वॉचिंग। Vision grids are all over the Pinterest and I love the fact that it actually helps in staying focused on our goals. मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे खुद बनाऊंगी। न्यूज़पेपर का रोल करके मैंने इसे रेक्टेंगल शेप में सिक्योर कर लिया है एंड आइसक्रीम स्ट्रिप्स की हेल्प से मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है चेक्स का और वाइट पेंट कर लिया है। देन इसे ड्राई होने देंगे एंड मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ऐड किए हैं यहाँ पर, वुडन क्लिप्स हैं, 20 पीस मिल जाता है 60 रुपीज़ में एंड आई गॉट दिस फ्रॉम बड़ा बाजार कोलकाता। देन आई डिसाइडेड कि रूम में जितना भी सामान है उसे बाहर हॉल में रख दूँ ताकि काम और शूट दोनों करने में आसानी हो। Being a content creator, I love to showcase my creativity and skills in front of you guys. I would say अगले 9 minutes बिल्कुल भी skip करने की गलती मत करना, trust me you would love it. Past few years, I've noticed that full length standing mirrors are all over the internet. Everyone's buying it and flaunting it through their videos and I fell in love for it. लेकिन जब मैंने इसका price देखा तब लगा सबसे बड़ा झटका। Starting price was 15 to 18k and the one I wanted was for 23k and more. So मैंने ऑनलाइन खरीदने का प्लान ड्रॉप कर दिया एंड पहुंच गई अपने घर के सबसे नियरेस्ट कारपेंटर के पास। I showed him the design and explained him all my requirements and he said 10 to 12k में बन जाएगा and he added that he'll make it with the finest quality wood and use the best quality raw materials as well. Price almost 50% कम हो गई but I still wasn't satisfied because practically speaking spending that much on a mirror didn't seem worth it to me. I am that kind of a person जिसे अपनी ख्वाहिश अपने तरीके से पूरी करनी अच्छे से आती है। I secretly promised myself full length mirror तो मेरे dream room में ज़रूर होगा, वो भी designed and made by one and only श्वेता चौधरी। इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा एक बड़ा सा कार्टून था मेरे रूम में जिसमें मैंने रूम मेकओवर का सामान स्टोर करके रखा था। वो कार्टून मुझे मिला है बिल्कुल
मुफ्त मुफ्त एंड मुफ्त, क्योंकि ये हमारे नए घर की किचन चिमनी का आउटर पैकेजिंग है एंड ये बहुत ही ज़्यादा थिक एंड स्टर्डी है। सो मैं इसे वुडन फ्रेम का लुक देने वाली हूँ फॉर माई स्टैंडिंग मिरर। सो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो इसे ओपन कर लिया एंड ब्राउन टेप से अच्छे से सिक्योर कर लिया। ऑलमोस्ट पूरा कार्टून मैंने ब्राउन टेप में कवर कर दिया एज यू ऑल कैन सी, एंड इन रिजल्ट वी गॉट अ परफेक्ट रेक्टेंगुलर फ्रेम फॉर माई स्टैंडिंग मिरर विच इज़ सुपर ड्यूरेबल एंड थिक एज वेल। फिर मैंने इसके फ्रंट साइड पर अपने मिरर को रखा और उसे अच्छे से ट्रेस कर लिया सो दैट आई कैन गेट एन आइडिया ऑन वर्किंग ऑन द डेकोरेशंस ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्रेम। अब इस मिरर की भी अपनी एक कहानी है। इफ़ यू आर वॉचिंग मी एंड माई कॉन्टेंट फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, आपने देखा होगा कि मेरे कबर्ड का कलर मैंने चेंज करवाया है। Previously it was dark brown which was by default and I hated it from day one. But the storage capacity was the only reason I got it and before shifting to this place I took it to the nearest shop and selected my desired colors. And मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे discarded mirrors रखे हैं जो कि पुराने कबर्ड्स के थे and I asked the shopkeeper can I buy one of them and he was sweet enough to help me get the best one out of them and gave it to me as a gift. Yes, उन्होंने मेरे से पैसे नहीं लिए एंड उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल मेरी पोती जैसे दिखती हो। बाय द वे शी इज़ ट्रूली द सेम एज एज माइन। एंड ये सुनने के बाद मैं अपने आप को मतलब और कुछ बोल नहीं पाई, मना नहीं कर पाई उनको। ये मिरर मुझे लेना पड़ा विदाउट पेइंग फॉर इट एंड इसी के साथ आई गॉट अ लवली मेमोरी ऑफ हिम टू चेरिश फॉर एवर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन एंड कलर ऑफ दिस फुल लेंथ मिरर। सी आई वॉन्टेड इट टू मैच विथ माई वैनिटी डेस्क, जो कि मैंने पहले वीडियो में बनाया, आपने देखा होगा। आई मीन द कॉन्सेप्ट इज़ कि दोनों एक दूसरे का पार्ट लगना चाहिए। ओके लेट मी एक्सप्लेन। इन दोनों को मेरे रूम के एक साइड के वॉल पे मैं रखने वाली हूँ, लाइक एक साइड से अटैच करके रखने वाली हूँ। सो इट विल लुक लाइक इट्स अ मेक अ वैनिटी विच केम विथ अ फुल लेंथ मिरर लाइक अ कॉम्बो। ओके आई होप यू गॉट इट। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, यू विल लव इट, ट्रस्ट मी। ऐसा करने के लिए प्रीवियसली आई थॉट इसे वाइट पेंट कर देते हैं क्योंकि कार्डबोर्ड है ऑब्वियसली, बट इसमें बहुत ज़्यादा पेंट लगता, अगेन आउट ऑफ माई बजट। सो बहुत दिमाग लगा के मैंने वैनिटी डेस्क को इस तरह वाइट शीट से कवर किया कि थोड़ा वाइट शीट बच गया था। ओके Still, it was a task to be able to cover this whole thing with the leftover white sheets क्योंकि बहुत ही गम बचा था। तो यहाँ पर मैंने हार्डवर्क नहीं स्मार्ट वर्क करा। आई ट्राई टू कवर ओनली दोज पार्ट जो विजिबल होंगे विच एक्चुअली नीडेड टू बी वाइट। येस एंड एज यू ऑल हैव सीन इन द वीडियो इट वॉज क्वाइट अ टास्क। मैंने कई बार मेजरमेंट्स करे, देन पेपर को रिक्वायर्ड अमाउंट में कट आउट करा एंड देन आई स्टार्टेड स्टिकिंग इट ऑल ओवर एज पर द प्लान्ड मेजरमेंट। एंड क्योंकि दोनों फर्नीचर में सेम प्रोडक्ट्स यूज हुए थे, लाइक द वाइट शीट वॉज यूज, इट वॉज एक्चुअली लुकिंग लाइक अ पेयर एंड आई वॉज सुपर हैप्पी टू सी माई इमेजिनेशन टर्निंग इन टू रियलिटी दैट टू ऑन अ स्ट्रेट बजट। मेरे फ्रेम का बेस बिल्कुल रेडी है एंड इट्स लुकिंग सो प्रिटी यू गाइस। नाउ कम्स द मोस्ट डिफिकल्ट योर चैलेंजिंग पार्ट, अटैचिंग दिस हैवी फुल साइज मिरर टू दिस फ्रेम इन सच अ वे दैट इट डजंट फॉल अपार्ट एंड इट नीड्स टू बी स्टडी एज वेल। बहुत दिमाग लगाने के बाद आई डिसाइडेड टू यूज थिक डबल साइडेड टेप्स। हाँ सुनने में लग रहा होगा ये तो बच्चों के क्राफ्ट वाली टेप है एंड इट्स नॉट दैट स्टर्डी एंड स्ट्रॉन्ग, बट नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्ड सो वेल एज इफ इट वाज मेड फॉर दिस। मिरर इतना ज़्यादा हैवी था तो बस मैंने पूरे बैक में 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर टेप्स को लगा लिया एंड सिंपली टर्न करके प्रेस कर दिया। इट वॉज दैट सिंपल। अगर आप मुझे बहुत पहले से जानते हो तो आपको ये भी पता होगा दैट आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ पर्ल्स। मुझे पर्ल से रिलेटेड कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, लाइक ज्वेलरी, वॉल हैंगिंग्स, एक्सेसरीज, बैग्स, रिंग्स एंड वॉट नॉट। अब पर्ल इतना ज़्यादा पसंद है तो मेरे रूम में पर्ल का डेकोर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। तो मैंने बड़ा बाज़ार से होलसेल रेट में बहुत सारे पर्ल्स ले लिए, बड़े साइज़ वाले,
एंड यहाँ पे मैं मिरर के आउटलाइन में एक एक करके फेविकॉल से इसे स्टिक कर रही हूँ। बहुत टाइम लगा बट ये मेरे एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। लिमिटेड वाइट वॉलपेपर शीट्स के वजह से इस एरिया में कार्डबोर्ड थोड़ा ज़्यादा ही शो हो रहा था, तो मैंने निकाला अपना फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर्स का डब्बा। इसमें 10 कलर्स होते हैं तो मैंने वाइट कलर ले लिया एंड एक ब्रश की हेल्प से 2 से 3 कोट पेंट कर दिया एंड पेंट के सूखने के बाद ऊपर से पर्ल स्टिक कर दिए एंड हमारा जुगाड़ सुपर सक्सेसफुल हो गया। अब इसे 3 से 4 घंटे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर ये ड्राई नहीं होगा तो इसके जो पर्ल्स हैं वो झड़ने लगेंगे, क्योंकि फेविकॉल से मैंने लगाया है तो इसे सूखने का टाइम देना पड़ता है और इसका लुक भी ख़राब हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से सूखने दें। देन एक वेट वाइप की हेल्प से मैंने इसके फ्रेम एंड मिरर दोनों को अच्छे से वाइप कर लिया है, क्योंकि अब हम इसमें वैनिटी लाइट्स लगाएंगे जिसके लिए सरफेस एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ज़रा भी डस्ट अगर रह गया तो ये ठीक से इंस्टॉल नहीं होता है। वैनिटी लाइट्स को लगाने के लिए इसमें सर्कुलर डबल साइडेड स्टिकर्स दिए गए हैं एंड टोटल 10 बल्ब्स एक स्ट्रिंग में अटैच्ड आते हैं। इस लाइट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो और ये किसी भी अडैप्टर में आप इसके वायर को इंसर्ट करके यूज़ कर सकते हो। इसमें आप लाइट्स के टोन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वार्म, कूल, न्यूट्रल एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ब्राइटनेस भी लो टू मीडियम, मीडियम टू हाई हो सकती है। मैंने इसे अमेज़न से परचेज़ किया है, अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैंने ये ट्रे एक लोकल गिफ्ट शॉप से परचेज़ किया है जहाँ पे इवेंट्स लाइक शादी, एंगेजमेंट के लिए गिफ्ट्स पैकेजिंग की चीज़ें मिलती हैं। आई होप यू गॉट इट। वहाँ पे ना होलसेल रेट में मिलता है बट बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भैया ने मुझे ये एक पीस दे दिया और अपनी बार्गेनिंग स्किल का भरपूर इस्तेमाल करके मैं सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में ये ब्यूटीफुल सा ट्रे लेकर आई हूँ। I just fell in love for the side work it has, literally the detailings, oh my god, just look at this, it's so pretty you guys, but क्योंकि मैं अपने घर की DIY queen कहलाती हूँ तो मेरे हाथों से तो कोई चीज़ बच नहीं सकती, तो बस मैंने अपना पिटारा निकाला, उसमें से पर्ल्स के साथ मैंने इसको सजा दिया है एंड इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर गई है। अब ये किस काम आएगा ये तो आपको वीडियो के एंड में ही पता लगेगा, तो वीडियो को एंड तक तो देखना ही पड़ेगा ना। ये वुडन वॉल क्लॉक बहुत ज़्यादा लोकल स्टोर्स के चक्कर लगाने के बाद मैंने अमेज़न से ले लिया, क्योंकि लास्ट में वही एक ऑप्शन बचा था। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है बीइंग ऑनेस्ट, लेकिन हाँ अकॉर्डिंग टू द प्राइस इट्स डेफिनेटली वर्थ बाइंग। एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ अंडर 350 समथिंग ये आपको आराम से मिल जाएगा। एंड इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन बाइंग, लिंक इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड गाइज मैंने इसको भी नहीं छोड़ा, हाँ इसका भी पर्ल बॉर्डर बना के अपने रूम के एस्थेटिक्स के साथ इसका मैच करवा दिया। अब आप ही देख लो इस वीडियो में कि मुझे पर्ल्स कितने ज़्यादा पसंद हैं। मुझे मेरी वैनिटी के डेकोर के लिए ना एक स्टेटमेंट शोपीस चाहिए था। दिन रात पिंटरेस्ट स्क्रॉल करने के बाद मुझे काफ़ी सारे आइडियाज़ तो मिल गए, बट मुझे मेरे घर के वेस्ट मटेरियल में से कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे मैं अपने इस DIY प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकूं। देन ऑल ऑफ अ सडन आई केम अक्रॉस दिस लिप शेप्ड कंटेनर जो सालों पहले मुझे मेबलिन के एक स्टोर से एज अ फ्री गिफ्ट मिला था अलॉन्ग विद द परचेज आई मेड। इसका शेप रिप्रेजेंट करता है मेकअप को एंड दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। सो बिना टाइम वेस्ट किए फटाक से मैंने इसको रेड एक्रेलिक कलर से स्पंज पेंट करना स्टार्ट करा, कॉज आई ऑलवेज लव द वे रेड लिप्स ब्राइटन्स माई फेस एंड मूड इंस्टेंटली। आफ्टर पेंटिंग आई केप्ट इट असाइड टू फुल्ली ड्राई एंड देन वेंट फॉर अ सेकेंड कोट फॉर दैट ब्राइट लुक। इट्स डन एंड जस्ट लुक, ऐसा लग रहा है एज इफ अभी फ्रेश पीस मार्केट से मैं इसको खरीद के लेके आई हूँ। अब बनाएंगे हम इसका होल्डर विच इज़ अ क्यूट लिटिल कैनवस इट सेल्फ विच रिटेल्स फॉर 25 रुपीज़ ओनली एंड इसको मैं डेकोरेट करने के लिए
यूज़ कर रही हूँ मेरे पुराने टूटे हुए ब्रेसलेट में से बचे हुए क्रिस्टल्स। इसमें ब्लू मार्बल प्रिंट है तो ये बहुत प्यारा लगेगा विथ माई स्टेटमेंट रेड लिप्स। दिस DIY रिप्रेजेंट्स माई लव फॉर मेकअप। आई बिलीव मेकअप इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ आर्ट एंड दैट्स वाई आई यूज अ मिनी कैनवस एज अ होल्डर। एंड नाउ आई थिंक इस DIY के पीछे का जो डीप थॉट है वो आप तक ज़रूर पहुँच गया होगा। ये मेरी दादी का बहुत पुराना ट्रंक बॉक्स है, ऑलमोस्ट 70 साल पुराना। उनकी शादी पे उन्हें अपने मायके से मिला था और तब से 2011 तक दादी ने इसे बहुत संभाल के रखा, किसी को छूने भी नहीं मिलता था। वो इसमें अपने सारे सीक्रेट्स, मेमोरीज एंड अपनी सेविंग्स को जमा करके रखती थी। एंड फिर 2012 में उनकी डेथ हो गई एंड उसके बाद इस ट्रंक को मेरी मम्मी ने संभाला एंड अब मैंने लड़ झगड़ के इसे अपने नाम कर लिया है। मुझे पुरानी एंड विंटेज चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है एज यू ऑल कैन सी, सो आई वॉन्टेड टू गिव दिस ट्रंक अ मॉडर्न येट ट्रेडिशनल मेकओवर। सो आई गॉट दिस कलरफुल वॉलपेपर शीट्स फ्रॉम Amazon अगेन। बहुत ज़्यादा Amazon हो गया ना इस वीडियो में। Amazon टीम, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, आई थिंक यू शुड कोलैब विथ मी। आई ऑलरेडी शॉप फ्रॉम यू गाइज सो मच। एनी वेज, आई टोटली कवर्ड इट विद द शीट्स एज यू कैन सी एंड लुक हाउ प्रिटी इट्स गेटिंग। And best part, I can store a lot inside this and from outside it's making my place prettier. This will be used as a dressing table and mirror I made will stand on this and the tray and the lip canvas will be right on top. यही है plan अभी तक। और इसके बाद ना इसके जो handles है साइड के और सामने का जो lock करने वाला area है उसको मैं white color के acrylic color से अच्छे से paint कर ले रही हूँ to enhance it and इसके बाद हमारा ये trunk बिल्कुल ready हो जाएगा। तो अब इसे प्लेस कर देंगे एंड जस्ट देखना कितना ज़्यादा प्रिटी लगेगा ये। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे ना आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भी मैंने अमेज़न से ही मंगाया है। ये एक कोलैप्सिबल क्लॉथ हैंगिंग स्टैंड है, अंडर 1K ये आपको आसानी से मिल जाएगा। एग्जैक्ट प्राइस मैं नहीं बोल सकती कॉज इसका प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है, सो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, यू गाइस कैन चेक इट आउट। अकॉर्डिंग टू प्राइस इसकी क्वालिटी ठीक ही है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टर्डी तो नहीं है बट हाँ लुक वाइज अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है ये। और 10 kg तक का वेट ये लोड ले सकता है, इसमें आप सामान रख सकते हो 10 kg तक। एंड इसको बिल्ड करना बहुत ईजी है, मैनुअल में इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहता है। फिर भी अगर आपसे ये नहीं बन पा रहा और कोई भी मुश्किल आती है तो आप मेरी वीडियो को देख करके इसे बना सकते हो, क्योंकि मैंने टॉप टू बॉटम स्टेप बाय स्टेप इसे अच्छे से बिल्ड करके दिखाया है एंड आई होप कि यह आपको हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ पेयर अप करके मैंने 6 पीस का वुडन हैंगर सेट भी ख़रीदा है बड़ा बाजार से, विच वॉज फॉर आई थिंक 360 रुपीज़ एंड क्वालिटी में एकदम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एकदम स्टर्डी चीज़ मिली है। और इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इतने कम प्राइस में सिर्फ और सिर्फ बड़ा बाजार में ही मिल सकता है। कभी अगर गए नहीं हो तो जाके देखो, फ़ैन हो जाओगे। इस DIY को क्या नाम दूँ यही सोचते सोचते इस वीडियो की वॉइस ओवर कर रही थी, बट ये एक सडन लास्ट मिनट थॉट था जो मैंने आधी रात को बनाया था। बेसिकली इट्स अ बैकड्रॉप काइंड ऑफ थिंग फॉर माय वैनिटी डेस्क एज इट्स कम्प्लीटली मैचिंग विद द ट्रंक एंड कॉम्प्लीमेंटिंग द होल वैनिटी सेटअप। जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा ही सही बन गया था। बट अब ये आप लोग बताओ कि मेरे इस बेडरूम ट्रांसफॉर्मेशन को आप 1 से 10 तक कितनी रेटिंग्स देंगे। वेल, इस DIY को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ।
कुछ तामझाम नहीं है। ओके, मैंने एक रेक्टेंगुलर कार्टून को अच्छे से टेप से सिक्योर कर लिया है एंड देन कलरफुल वॉलपेपर शीट से अच्छे से कवर कर दिया और फिर ये डिज़ाइनर कटआउट मिरर्स को अच्छे से असेंबल करके चिपका दिया। ये भी मैंने अमेजन से ही लिया है एंड इसके ऊपर जो प्लास्टिक फिल्म होती है ना उसे रिमूव करते ही एक्चुअल मिरर की तरह वर्क करने लगता है। एंड फाइनली आई एम डन विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स टाइम फॉर द मोस्ट अवेटेड फाइनल रिवील। Face of this face with me.